नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएमएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ मुशर्रफ राणा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर की तहसील मिलक हाईवे धर्मपुरा बाईपास के पास जलंधर से बहराई जा रही एक प्राइवेट बस ड्राइवर की लापरवाही और तेज गति की वजह से ओवरटेक करते समय ड्राइवर अपने बस पर नियंत्रण खो बैठा और बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। बस के पलटते ही हाईवे पर चीख पुकार मच गई और बस में लगभग 50 से ज्यादा सवारियां सवार थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस एम्बुलेंस लेकर घटनास्थल पर पहुंच गई और सभी घायलों को सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई और किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं। डॉक्टर साहब, ये धर्मपुरा बाईपास पे जो बस पलटी है, कितने लोग घायल हैं इसमें? हमारे पास 25 लोग आए थे और उनके साथ में दो चार लोग थे, वो घायल नहीं थे, बाकी 25 लोग के यहाँ इलाज हो रहा है। मृतक कितने लोग हैं इसमें? मृतक इनके कितने लोगों का ट्रीटमेंट किया गया है? सारे लोगों को किया गया, 25 लोग। और रेफर कितने लोग किए गए? 5 लोग रेफर हैं, जिला अस्पताल रामपुर के लिए रेफर कर दिया।